हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो फ्रेंड्स, आज एक नया ट्रेलर का रिएक्शन लेके आए हैं फिर से। तो फ्रेंड्स, आज का ट्रेलर अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया का चैनल में आया है, मुंबई डायरीज 2611 ऑफिशियल ट्रेलर अमेजन ओरिजिनल। तो फ्रेंड्स, 2611 इंसिडेंट के ऊपर बहुत सारे मूवी बना हुआ है, तो एक नया किस्म का कुछ आया है। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू द ट्रेलर रिएक्शन फास्ट। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो लेट्स डू इट, 3, 2 and 1। उस रात ना कोई सो पाया ना कोई सोच पाया। आंखों में डर था और सोचने समझने के लिए सीरियस। और सेकेंड भारी पड़ रहा, फिर भी डटी रही, खड़ी रही। बॉडी से अनाज बंद नहीं हुई है क्योंकि हर एक सांस बचानी थी। लेट्स गेट बैक टू वर्क। कभी ना खत्म होने वाली रात को कल तक खत्म किया, क्योंकि उस रात हम वहां थे। तो फ्रेंड्स, एक वेब सीरीज होने वाला है एंड इसमें हम लोग 2611 को काफ़ी रेस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी देख चुके हैं, सोल्जर का हो या दूसरा किस्म का। लेकिन ये एक डॉक्टर या नर्स का रेस्पेक्टिव एंड व्यू में कैसा था, ये हम लोग नहीं देखे। तो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है, डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक काफ़ी नया चीज़ इस मूवी में आ रहा है, डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू में वो इंसिडेंट कैसा था, यानी उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया। तो ये सीरीज़ देखने के बाद ही हम लोगों को मालूम चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड काफ़ी अच्छा स्क्रिप्ट भी शायद होगा। आई होप सीरीज डज वेल एंड एवरी एक्टर इज सो टैलेंटेड एंड दे डन ए गुड जॉब इन दिस मूवी। एंड बहुत ही सीरियस सीन है इसमें, तो ये काफ़ी मतलब हम काफ़ी एक्साइटेड है सीरीज ऑलरेडी देखने के लिए। तो बस आने का देरी है, हम तो सितंबर 9 को आ रहे हैं, तो उसके लिए वेट करेंगे। एंड यदि मोहित शर्मा, ये काफ़ी अच्छा एक्टर है और इसमें भी हमको लगता है बहुत ही सीरियस, एंड उनका जो टैलेंट है वो दिखाने का एक बड़ा मौका मिला है उनको। इसके बाद आई होप ये सिनेमा, ये सीरीज देखने के बाद उनका काफ़ी मूवी या कुछ रोल मिल जाए और भी बहुत सारे जगह उनको दिखाई दे। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा था, वो लोगों को कैसे टैकल किया, कैसे इंजर्ड को सबने बचाया, जो लोगों का डेथ हुआ वो लोग भी कैसे मतलब इसमें शहीद हुआ वो भी दिखाएगा। तो आई होप इस डज वेल एंड ऐसा मूवी बॉलीवुड में और भी आना चाहिए। वो अमेजन प्राइम में आए, सीरीज़ में आए, तो ऐसा न्यू कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में एंड बॉलीवुड को बचाने के लिए चाहिए, क्योंकि साउथ मूवी जो आ रहा है उसमें हॉर मूवी में नया नया कॉन्सेप्ट है, नया नया चीज़ वो लोग लेके आ रहा है, तो ये बॉलीवुड के लिए काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।